This call is now being recorded. स्टूडेंट्स आप लोगों की फर्स्ट क्लास है ये? यस सर। यस सर। हाँ, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं अमित गोयल हूँ। अमित गोयल नाम पूछ रहे थे कुछ लोग। ओके सर। हाँ ओके सर। तो मुझे ये बताओ आप लोग, पहले आप लोगों ने अभी तक कुछ टॉपिक्स खुद रेडी किए? आपने प्रिपेयर किए? क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर किए? नहीं सर, कुछ नहीं करा। कुछ तो बुक खोली होगी किसी ने। यस सर, मैथ की खोली थी। मैथ्स की? फिजिक्स की नहीं खोली है? अच्छा सर, नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स अभी करते हैं। सर मैंने करा सर। क्या किया है बताओ सर? वैसे तो सर अपने आप से तो सर थर्ड चैप्टर तक कर लिया है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर सर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट में आपका स्क्रीन एक मिनट ओपन कर दूं जरा। व्हाइट बोर्ड। स्क्रीन विजिबल है सबको क्लास में? यस सर। यस सर। ओके, अब अगर कोई क्लास में आया तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये भी एक दिक्कत है। अच्छा यस सर, बीच बीच में देखेंगे, अगर कोई आता है तो आपको मैसेज आएगा, आप लोग भी बताना मुझे। यस सर। ओके सर, सर कोई आया? यहाँ से कोई आएगा तो हमें दिखाई देता रहेगा। सर हाँ बोलिए। हेलो सर, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी बाद में? हाँ, सब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो भी लेक्चर है ना ये रिकॉर्डिंग ऑन है, तो रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद ये आपके ऐप में डाल दिए जाएंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। हाँ, तो सर कभी कभी भी लेक्चर हम दोबारा से रिवाइज करना है कर सकते हैं। ओके सर। तो मैं डायमेंशन स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है और वो स्टूडेंट्स को अच्छा भी लगता है, आसान भी है, डायमेंशंस। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद किया होगा इसको। यस सर। कोई आएगा तो इधर से हमें पता चल जाएगा। तो डायमेंशन देखते हैं क्या होते हैं। डायमेंशंस स्टडी करने के लिए हमने कुछ पहले बेसिक यूनिट्स ली।
बेसिक यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स क्या क्या होती है देखते हैं जरा। इसमें से एक है हमारे पास बेसिक यूनिट मास। मास को हम कैपिटल एम से नोट करने वाले हैं। तो मैं उसमें से कुछ बेसिक यूनिट ले रहा हूँ, फिर डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेंथ को हम कैपिटल एल से नोट करेंगे और इसी तरह टाइम, ये बेसिक यूनिट्स हैं। तो लेंथ और टाइम, मास, ये सब बिल्कुल अलग क्वांटिटीज हैं, यानी एक दूसरे को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम। मास को लेंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते या लेंथ को मास में। तो इसलिए ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। तो हम बेसिकली पहले ये तीन यूनिट यूज करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। टाइम को टी से, लेंथ को एल से और मास को हम एम से नोट करने वाले हैं। इसके अलावा जो और बेसिक यूनिट हम यूज करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैल्विन, के से डिनोट करेंगे हम। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट को हम, करंट की यूनिट एम्पियर है, इसलिए हम उसको ए से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा कोई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम मोल से डिनोट करेंगे। मोल से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा मोल। तो हमारे पास ये बेसिक यूनिट कहलाते हैं। इन बेसिक यूनिट में से पहले हम आज ये एम एल और टी, मास, लेंथ और टाइम, यही मेनली यूज करेंगे। बाद में हम 11th क्लास में ये कैल्विन और यूज करेंगे। कुछ फॉर्मूले में ये मोल भी आएगा। और ये जो करंट है, इसकी यूनिट्स हमारी 12th स्टैंडर्ड के जो फॉर्मूले हैं उसमें करंट हम यूज करने वाले हैं। तो ये बेसिक यूनिट है। डायमेंशन क्या होती है समझने के लिए मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और जब मैं आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो पहले आप सब थोड़ी देर सुनोगे, समझोगे उसे, और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। कोई डिफिकल्टी है किसी को तो फिर वन बाय वन आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा? तो यस सर। अभी देखते हैं, जैसे मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एरिया, हमें एरिया के सपोज डायमेंशन निकाल लिए हैं। एरिया में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मैं इसमें ले रहा हूं एरिया में रेक्टेंगल। अगर मैं कहूँ रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है हमें, तो उसका फॉर्मूला तो आप सबको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सर योर वॉइस नॉट क्लियर। फिर से बोलिए, वॉइस नॉट क्लियर। यस सर। नहीं, बाकी लोग बताएं, आप लोगों को, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर यस सर, क्लियर आ रही है। आवाज आ रही है? आप अपना यस सर, क्लियर है सर, चेक करिए उसको। हाँ, बाकी सर सब क्लियर आ को, रही है पूरी। हाँ बाकी सब कह रहे हैं एकदम जोरदार आवाज आ रही है, इसलिए यस सर, बिल्कुल सही है। ऊपर है, हाँ इसलिए आप चेक करो किसको डिफिकल्टी थी। है किसको सर डिफिकल्टी थी वॉइस की? क्या नाम है स्टूडेंट का? नाउ इट्स क्लियर। ओके सर, नॉट क्लियर। हाँ सर इट्स क्लियर नाउ। ओके ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं, एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें ये देखना है लेंथ जो है, ये मास, लेंथ, टाइम में से कौन सी डायमेंशन है। तो लेंथ तो हमें क्लियरली मालूम है, दिस इज एल। और ऐसी जो ब्रेथ है वो भी लेंथ कहलाती है। मास, लेंथ और टाइम में से ये ब्रेथ क्या है, ये भी लेंथ है, एल इंटू एल। इसको मैं ऐसे लिखूंगा एल स्क्वायर। और इसको मैं ये एक
कॉलम वाले स्क्वायर ब्रैकेट में रख दूंगा। इससे हम एरिया की डायमेंशन कहते हैं। तो एरिया की डायमेंशन, डायमेंशन क्या हुई, ये मास, लेंथ, टाइम, ये जो भी हमने यूनिट्स स्क्वायर लिए, इनकी जो भी पावर्स रेज करेंगे वो रेज टू द पावर्स ऑफ दिस बेसिक क्वांटिटीज, उसे हम डायमेंशन कहते हैं। ये हमने रेक्टेंगल वाले फॉर्मूले की हेल्प से निकाली। अभी हम रेक्टेंगल की जगह मैं कोई दूसरा फॉर्मूला ले लेता हूँ, जैसे कि सर्कल का। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें जो पाई है वो एक कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, पाई तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। और जो आर स्क्वायर है, आर रेडियस, अगेन चेक करेंगे मास, लेंथ, टाइम, तो इसमें से रेडियस क्या है, मास, लेंथ, टाइम में से लेंथ लेंथ है, तो इसलिए एल स्क्वायर, लेंथ, तो इसलिए डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर। तो हम चाहे स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया लें, चाहे सर्कल का एरिया लें, हम कोई भी एरिया लें, सबसे डायमेंशन हमारी सेम आने वाली है। तो जैसे कि हमारे पास था सिलेंडर का सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, टू पाई आर, और तो अगर सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया लू मैं खाली, तो ये 2πRH होता है ना। यस सर, तो इसमें से ये 2π तो कांस्टेंट है, ये तो कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और ये रेडियस लेंथ है, और ये हाइट, ये भी लेंथ है, एल क्यूब, एल इंटू एल, एल इंटू एल, तो इसलिए अगेन डायमेंशन क्या हुई, एल स्क्वायर। मतलब ये तो हमने ये एरिया में हमने एग्जांपल लिए कई, और ये फाइंड किया कि हमें कोई जो भी हमें सबसे आसान एरिया का फॉर्मूला आता हो वो हम यूज कर सकते हैं। डायमेंशन किसी भी फॉर्मूले से निकालें, सब एरिया, सभी एरिया की डायमेंशन सेम आएगी, जो कि एल स्क्वायर है। तो इसे हम डायमेंशन कहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, ये जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, रेज टू सम पावर्स, ये जो क्वांटिटी यहाँ पे आती है, जिससे ये पता चलता है ये फॉर्मूले में हम लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस क्वांटिटी का नाम डायमेंशन है। इस क्वांटिटी का नाम डायमेंशन है। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, सर, अमें, हाँ जी सर, ये किस चीज मतलब चैप्टर में सो रही है ना, कौन सा टॉपिक चल रहा सर? टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशंस। कौन बोल रहे हैं, नाम बताओ, नाम बताओ। अरीब, अरीब, चैप्टर तुम्हारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है हमारी एनसीईआरटी बुक में। अच्छा सर, सेकंड चैप्टर चल रहा है सर? हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है ना, पहला तो इंट्रोडक्शन है, और जो दूसरा चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका मैंने ये टॉपिक लिया है डायमेंशन। ओके सर, एक तो ये सेकंड चैप्टर का ये फर्स्ट टॉपिक यही है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, और दूसरा ये आसान भी है सर, और इंटरेस्टिंग लगता है इसमें। ये बेटा ये ऑन ऑफ कर लो अपना माइक, की आवाज आ रही है यहाँ। अब देखें, अगर मुझे वॉल्यूम की डायमेंशन निकालनी है, तो वॉल्यूम के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे सबसे आसान कोई भी सबसे आसान ले लो, जैसे क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम, साइड का क्यूब, साइड क्यूब, और साइड मास, लेंथ, टाइम में, टाइम में से लेंथ होती है। यस सर, तो इसलिए हमें आसानी से वॉल्यूम की डायमेंशन मिल गई, एल क्यूब। बाकी हम वॉल्यूम का कोई भी फॉर्मूला यूज करते सबसे यही आंसर आने वाला था, जैसे कि अगर हम क्यूबाइड यूज करते हैं, तो क्यूबाइड के लिए जो वॉल्यूम है वो है
लेंथ इनटू ब्रेड इनटू हाइट, और ये तीनों लेंथ हैं तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं एल क्यूब। तो इसलिए वॉल्यूम की डायमेंशन आ गई एल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ मुझे कोई भी डायमेंशन निकालनी है तो मुझे जिसकी डायमेंशन निकालनी है जैसे वॉल्यूम की, तो इसका मतलब मुझे किसी के भी वॉल्यूम का एक फॉर्मूला पता होना चाहिए तो मेरी डायमेंशन आ जाएगी। अब जैसे सॉलिड स्फीयर देखें, अगर और सॉलिड स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब। तो इसमें से ये जो 4/3 पाई है ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, और जो डायमेंशन है जिसे हम मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे वो ये रेडियस है। तो रेडियस अब हम देखेंगे मास लेंथ टाइम केल्विन, इसमें से रेडियस क्या है, हमारी लेंथ है। इसलिए लेंथ टू पावर 3 ये हमारी डायमेंशन आ गई। इस तरह से हम किसी भी चीज की डायमेंशन फाइंड करेंगे। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर। इसको मैं 1, इसको मैं 2 डाल रहा हूँ। तो एक बार ये आप देख लो, नोट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ और कुछ और क्वांटिटीज लेंगे, उसकी डायमेंशन निकालेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत आसान सर। हाँ बोलो। सर ब्रैकेट क्यों लगाया आपने? अभी बताया मैंने कि ये स्क्वायर ब्रैकेट ये नोटेशन है डायमेंशन का, ये लगाते हैं हम जिससे ये पता लग ओके जाता है सर। ये डायमेंशन लिखा हुआ है। ओके सर। नोट कर लिया सबने? यस सर, यस सर। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है, बोलो। आपने ये तो बता दिया कि ये डायमेंशन की ये सब कुछ है, लेकिन डायमेंशन का एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हुआ? मैंने वो एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बताई, अभी बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा। तो ये मैंने अपना नाम और अपना प्लेस लिखा है, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह आईआईटी जेई के लिए भी पढ़ाया है और मेडिकल के लिए भी पढ़ाया है। और आईआईटी में स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, सब जगह मेरे स्टूडेंट्स हैं, और इसी तरह से मेडिकल में एम्स में टॉप 10 में रैंक आई हुई है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको जैसे ऐसे कहूंगा आप उस तरह से अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, आप समझ रहे। और क्योंकि आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बहुत कंफ्यूजन मिलेगा, तरह तरह की एडवाइस मिलेगी, तो आपको उससे परेशान नहीं होना है। कभी भी कोई ज्यादा आपको ओवरबर्डन होगा सिलेबस, लोग बुक्स पे बुक्स बताएंगे आपको, इतना रेफर करेंगे, ये बुक्स ले लो, ये बुक्स ले लो, तो आपको परेशान नहीं होना है। कोई भी चीज होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जैसे मैं कह रहा हूँ आप वैसे फॉलो करो तो फिर आपकी सर्टेनली रैंक आएगी, अच्छी रैंक आएगी। ठीक है? यस सर। और अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे थे मुझे कि आपने डायमेंशन तो बता दी, उसकी डेफिनेशन नहीं बताई। भाई मैंने डेफिनेशन भी बताई थी कि मास लेंथ टाइम और केल्विन, ये जो बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज रेज टू सम पावर इज नोन एज डायमेंशन, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि हमें डायमेंशन जो उसकी डेफिनेशन है वो समझनी है
हमें लर्न नहीं करनी, हमें कहीं डेफिनेशन लिखनी नहीं है डायमेंशन की, ये भी समझ लें हम। ओके तो अभी सर अभी आप बड़ी क्लास में आ रहे हो, कंपटीशन में बैठने जा रहे हो, आईआईटी के कंपटीशन में बैठे हुए, वहां पे आपको कंसेप्ट अपनी स्ट्रांग रखनी है, कंसेप्ट स्ट्रांग रखनी है। और आपको भी पता होगा नई एजुकेशन पॉलिसी भी इम्प्लीमेंट होने वाली है, तो उन सब में भी यही ध्यान रखा गया है कि अभी आपको जो भी सीख रहे हैं, आपका सोचने का तरीका क्या है, वो चीज आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, तो हमें बुकिश नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने फंडामेंटल स्ट्रांग रखने हैं। सर कंसेप्ट, सर मेरा मतलब कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। हाँ, कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए आपके, यानी कोई भी चीज है जब से डायमेंशन है, तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं ये समझ में आना चाहिए, ना कि उसकी वो ना कि रो। हाँ बुक में डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, मतलब समझ में आनी चाहिए, लेकिन हमें डेफिनेशन थोड़ी रटनी है ना। सर जेई क्रैक करनी है ना। हाँ, जेई क्रैक करनी, जेई में डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे, और जेई के लिए अब हमें समझ में आ गया ये एरिया से कि ये मास लेंथ टाइम है, इसकी रेस टू सम पावर करते हैं, अच्छा इसका नाम डायमेंशन है, इसको डायमेंशन कहते हैं, बस क्लियर हो गया हमें। तो हम ऐसे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। आ रहा है समझ में? आगे चलो। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो हमें जो है हमारी सोच को और थोड़ा और बेटर बना रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो 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 सर। तो मैं आप अगली क्वांटिटी ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वांटिटी हमने इसके बारे में सुना होगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी है हमारा फॉर्मूला, हमें पता होना चाहिए, तो हम इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो पढ़ा है हमने। यस सर। और मास को भी हमने देखा, एम से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम की डायमेंशन हमने ये निकाली है। क्यों अभी अभी खाली सुनते रहेंगे, बोलना नहीं है, सुनेंगे। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये एल्ट बार माइनस थ्री, और इसको एक ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, तो ये डेंसिटी की डायमेंशन आ गई, एम एल माइनस थ्री। ये आ रहा है समझ में आपको? यस सर, यस सर। ऐसे हम डेंसिटी की डायमेंशन निकालेंगे, तो जो जो नहीं समझ में आया डेंसिटी, डेंसिटी या फॉर्मूले के बाद आपने क्या करा? फॉर्मूला ये मास अपॉन वॉल्यूम। यस, ओके। ये तो फॉर्मूला याद है हमें? यस सर। नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को हम एम से नोट करते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया मास लेंथ टाइम, हम तीन ही यूज करने वाले हैं, टाइम को टी से डिनोट करेंगे, है ना। तो मास को हमने एम रख दिया, और वॉल्यूम को हमने अभी डायमेंशन निकाली थी एल क्यूब। ओके यार, और फिर इन सबको हम ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले गए। ओके सर। और इसको हमने ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, कॉलम ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया, ये डायमेंशन डेंसिटी की डायमेंशन या आ गई एम एल माइनस थ्री। ओके सर। इसी तरह अगर हमें स्पीड की डायमेंशन निकालनी हो, स्पीड या वेलोसिटी, पहले स्पीड की देखें जरा, स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा मास लेंथ टाइम में से एल होगा। हाँ, यूनिट से भी देख लेंगे, डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, वो क्या है लेंथ है, और टाइम हमारी फंडामेंटल यूनिट जिसे हम टी से नोट करने वाले हैं,
इसलिए टी को अब हम ऊपर ले जाएंगे और ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हमारा स्पीड की डायमेंशन आ गई LT-1। सर सर बोलिए सर। टी पे -1 की पावर क्यों लगी? रेसिप्रोकल है ना वो। क्या? ओके सर, पी को ऊपर ले जाएंगे तो -1 लगाएंगे या -2 कर दूं? रेसिप्रोकल है ना वो। नहीं, रेसिप्रोकल छोड़ो, मैं तो -2 कर देता हूँ। ये कौन बोल रहे हैं मुझे -1 के लिए बोल रहे हैं? नाराज हो रहे हैं -1 से, तो मैं -2 कर नहीं देता सर, हूँ। सर हाँ डायमेंशन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो फिर टी को ऊपर जाएंगे तो ये -1 ही तो होगा। ये तो मैथ है सिंपल यस सर, आसान है। है। तुम ये भी पूछे थे अभी मुझसे कोई कि टी ऊपर ले जाएंगे तो -1 क्यों होगा? टाइम पास कर रहे हैं हम, है ना? ओके सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट तो ठीक है, डाउट कौन पूछा था ये? हाँ सर बता नहीं, कोई पूछ रहा होगा। और अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस की यूनिट है, एल लेंथ है, यानी वेलोसिटी हो या स्पीड हो सेम डायमेंशन होगी। तो अब अगर किसी को -1 अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं -2 कर देता हूँ मानो, ठीक है? हाँ नो सर, नो सर, तो फिर ये कौन है मेरे स्टूडेंट इतने बढ़िया जो 11th क्लास में ये बोलते हैं ये ऊपर जाने से -1 कैसे हो गया? सर पता नहीं होगा कोई। पता नहीं, नहीं मस्ती कर रहे हैं हम, शैतानी कर रहे हैं, जिसे शैतानी कहते हैं पता उस सब है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलरेशन। तो इसमें ऐसा होगा कि कुछ फॉर्मूले तो आपने पहले से पढ़े होंगे और कुछ आपने नहीं पढ़े होंगे, तो वो मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक यस सर, है? एक्सेलरेशन इसका फॉर्मूला याद है आपको? यस सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ ये तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, यस सर, यस सर, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी आएगी, है ना? यानी यूनिट यस जो इसकी डायमेंशन होगी वेलोसिटी की, अगर वेलोसिटी की डायमेंशन हमने ये निकाल लिया है। सर, अब LT-2 रहेगा शायद। हाँ, और ये नीचे टाइम थी, तो अब ये डायमेंशन आ गई हमारी एक्सेलेरेशन की डायमेंशन LT-2। तो क्लास में सबको यहाँ तक क्लैरिटी है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ वेरी गुड। और कहीं भी डाउट होगा तो आप लोगों को मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब मैं पूछूंगा आपसे कि हाँ कोई डाउट है तो बताओ, तो आपको जिसको भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। अगर किसी को यहाँ तक डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक ओके सर। है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वांटिटी। मोमेंटम मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। यस सर,
मोमेंटम तो पढ़ा था आप लोगों ने नाइन्थ में? यस सर। तो ये मास के लिए एम रख देंगे और वेलोसिटी के लिए अभी हमने निकाले हैं ये डायमेंशन ऊपर एल टी माइनस वन। तो ऐसा हमारी ये मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट में ले रहा हूं फोर्स। ये कोई आ रहे हैं क्या क्लास में? फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल टू एम ए पढ़ा था हमने ये फॉर्मूला। यस सर। यस सर। और मास को डिनोट कर देंगे एम से और एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू। इसलिए ये फोर्स की डायमेंशन हो गई हमारे पास एम एल टी माइनस टू। यहां तक देखिए आप लोग, यहां तक सब डायमेंशन क्लियर है? किसी को डिफिकल्टी है तो मैं डिस्कस करता हूँ। नो सर। नो सर। नो सर। तो मैं शिफ्ट कर दूं। नोट कर लिया आपने? थोड़ा थोड़ा नोट भी करते रहेंगे, ऐसा लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ चीजें नोट करते रहेंगे तो आपको रिविजन हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वांटिटी नंबर एट। सर आप एक बार प्लीज ऊपर स्क्रॉल करोगे मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ तो मैं तो अभी आपको पूछ रहा था। चलो कोई नहीं। थैंक यू सर। मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। जब तक आप डाउट नहीं पूछ रहे हो yes, कोई भी डाउट हो तो मन में नहीं रखेंगे। ओके सर। कहीं भी डिफिकल्टी लग रही है तो तुरंत डिस्कस कर लेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। अब देखते हैं वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होल इनटू डिस्प्लेसमेंट, शायद हमने ये पढ़ा हो नाइन्थ में। यस सर। यस सर। पर ये ऐसा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा या कॉस फाई। ये सपोज फोर्स है और ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होता है वो फाई है। वो फाई है तो फॉर्मूला भी हम ये पढ़ेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस फाई। ये
साइन फाई कॉस फाई ये तो हमने पढ़े थे टेंथ है ना। यस सर, यस सर। तो अब यहाँ सबकी डायमेंशन रख रहा हूँ मैं, फोर्स की डायमेंशन अभी मैंने MLT -2 डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन और कॉस फाई की डायमेंशन cos phi dimensionless है। Yes sir। कैसे मालूम? cos phi क्या था? base upon hypotenuse पढ़ा था ना हमने ये? Yes sir। और base भी length है, hypotenuse भी length है dimension में, है ना? तो ये cancel हो गए, तो मैं इसको l to power 0 लिख सकता हूँ। सर ये cos pi cos theta है? हाँ cos pi या cos theta एक ही बात है, एंगल को हम theta बोल रहे हैं या phi बोल रहे हैं, है ना? Yes sir। तो इसलिए इसकी डायमेंशन डायमेंशनलेस, उसे हम किसी भी MLT में से कोई भी लेके उसकी पावर जीरो लिख देंगे, वो डायमेंशनलेस हो गया क्योंकि वन हो गया ये, है ना? Yes sir। तो इसलिए वर्क की यूनिट ये डायमेंशन आ गई ML2 -2। ये वर्क की डायमेंशन आ गई। यहाँ तक सब ठीक है। अब हमें एनर्जी की डायमेंशन निकालनी है। कोई भी एनर्जी, वर्क को हम जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं। एनर्जी का हमने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सपोज काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था ना हमने, यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर, और या फिर हम इसकी यूनिट से भी निकाल सकते हैं। वर्क यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, इसलिए सेम डायमेंशन होगी। तो इससे भी पता चल रहा है हमें, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला हम देख लेंगे। हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ तो डायमेंशन लेस है मास के लिए एम, और वेलोसिटी की डायमेंशन थी LT -1। क्या कर रहा है मीटिंग में कुछ? सर वी का स्क्वायर है ना सर, स्क्वायर अभी होगा, उससे पहले ये डिस्टरबेंस आ गया ना। अच्छा एडमिट करना है कि कितने लेट आ रहे हैं भाई? ये आ रहे हैं बहुत लेट आए आप। आर्यन मेरी आवाज आ रही है आपको? ये जो अभी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है आर्यन, आवाज माइक ऑफ कर दिया किसी ने, अब आ रही है आवाज आर्यन? आप बहुत लेट है क्लास में, टाइम से आना चाहिए आपको, है ना? सर स्टूडेंट्स मेरा माइक ऑफ नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, somebody सर, हाँ बोलो।
आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। ये मनोज अग्रवाल म्यूटेड रह लो। ये मनोज, ये क्या शैतानी कर रहे हो भाई आप? बोलने दो, किसी को कुछ बोलना है तो। सर समबडी स्विचिंग ऑफ माइक्रोफोन। हाँ वही तो, दैट इज द प्रॉब्लम। डोंट स्विच ऑफ द माइक्रोफोन स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एवरीबडी एल्स टाइम, बी सीरियस इन द क्लास। ओके, नहीं तो फिर मुझे रिमूव करना पड़ेगा। स्टूडेंट का नाम आ रहा है यहाँ पे, जो भी ऐसा कर रहे हैं, फिर मुझे उस स्टूडेंट को रिमूव कर दूंगा मैं क्लास में से। तो ऐसा नहीं करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हमारा वेलोसिटी की डायमेंशन है, एल टी माइनस वन, और इसका स्क्वायर। आपकी इमेज नहीं आ रही, कौन सी इमेज, ये वाली या बड़ी वाली? ये सर जो आप जिस पर आप समझा रहे थे पूरा, वो मतलब पूरा ये बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट्स को आ रही है इमेज? यस सर, आ रही है सर। सर सर छोटी सी आ रही है, आ रही है सर, सर पूरी आ रही है। आप चेक करो, पूरा स्क्रीन आ रहा है सबको, ये देखो। नहीं आ रही सर, वो नहीं सर, स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर आपके दो हैं, वो दोनों दूसरे पे क्लिक करो। सर एक तो आपकी वीडियो, हाँ दूसरे पे क्लिक करके देखो आप लोग, जो दो नाम आ रहे हैं ना उसमें दूसरे पे क्लिक करो। जिससे आपको स्क्रीन आ जाए, आ गए ना? हाँ अब ज्यादा खेल नहीं करेंगे, शरानी करने की वजह से गड़बड़ हो रहा है सब, ठीक है? सर अभी नहीं आई, एक मिनट, किसकी स्क्रीन नहीं आई? सब पूरी नहीं आ रही स्क्रीन। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये लेफ्ट में आपको ये दिख रहा है, ये सब इतना दिख रहा है यहाँ पे एनर्जी तक, और ये आधा खाली है, ऐसा स्क्रीन नहीं आ रही आपको? आ रही है सर। हाँ अब ठीक है, मैं क्लास में स्क्रीन पे आ रहा हूँ, शैतानी नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है? ओके सर। यहाँ पे देखो, एम एल की पावर हो गया 2, टी टू पावर माइनस 2, तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हम इससे भी निकाल सकते हैं, और एनर्जी की यूनिट जो है जूल है, वर्क की भी जूल है ऐसा यूनिट, तो जिसकी भी जूल यूनिट होगी वो सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी होगी, सबकी यूनिट सेम होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी तो अभी हमने निकाला ही, पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी लें सब एनर्जी सेम होगी, राइट? तो जहां भी एनर्जी वर्ड आएगा वहां एनर्जी की डायमेंशन वर्क की डायमेंशन के बराबर और सेम आएगी। अब मैं नेक्स्ट यूनिट पे आ रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं? सर स्क्रीन नहीं आ रही प्लीज। नो सर। स्क्रीन देखो, बाकी लोगों की तो आ रही है, आप लोगों की स्क्रीन आ रही है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। आ रही है सर। तो वो सबकी स्क्रीन आ रही है, आपने कुछ गलत बटन प्रेस कर दिया। आपकी स्क्रीन भी आ गई अब? सर स्क्रीन नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं? ब्रजेश? नहीं सर, आयुष वशिष्ठ। आयुष तुम चेक करो, देखो सबको, बाकी सबको स्क्रीन आ रही है, अपने फ्रेंड की हेल्प लो, क्या प्रॉब्लम है? सर अल्फाबेट ए लिखा आ रहा है बस। हाँ तो भाई वो तूने उस सर की दूसरी आईडी पिन कर रखा है। अच्छा,
अब आ रही है सर, ओके थैंक यू भाई। तो अभी ये इसी वजह से तो अभी पहले भी बोला गया था कि दूसरी आईडी पे पिन करना है ना, काम की बात नहीं सुन रहे हम। नेक्स्ट यूनिट ले रहा हूं मैं, पावर। पावर की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला में पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, टाइम और वर्क हमारे पास ये भी निकाली हमने ML2T-2 अपॉन टाइम। ML2T-3 ये डायमेंशन आ गई पावर की। यहाँ तक आपकी 10 डायमेंशन पूरी हुई। यहाँ तक पहले आप लोग बताओ किसी को कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ क्लास में सबको क्लियर है? यस सर। इन म्यूटेड एकेडमिक डिपार्टमेंट, देखो इसमें दिमाग चल रहा है। मेरे कोई म्यूट कर दोगे तो मेरी आवाज नहीं आएगी आपके पास, किसी के भी पास नहीं आएगी। ठीक है, ये सब नहीं करना। और जो भी म्यूट करता है ना, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे आता है उसका नाम, तो इसलिए ये सब मत करो आप लोग। ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ अब। अच्छा ठीक है, ओके। अब क्या नहीं आ रहा भाई? यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, प्रेशर। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। याद आ रहा है आपको? सर दोबारा गायब हो गई। दूसरी आईडी पिन करो आप। सर दोनों में ही नहीं है, दोनों में गायब हो गई। सर दोनों में नहीं है। दोबारा प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन अपने। सर दोनों में गायब हो गया। अमित सर। हाँ जी सर, प्रेजेंट एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए अपनी दोबारा। हाँ पर अब मुझे फिर से वहां जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। यस सर, यस सर। हाँ इसलिए तो मैं वहां जा रहा था, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। एक गूगल मीट इससे कई लोग हिस्सा बात करते हैं। अब आ रही है? आ रही है सर। सर आ रही है। यस सर, यस सर, अब आ गई। हाँ पर मेरा वो स्क्रीन तो चला गया जो था माइक्रोसॉफ्ट का, अब वो देखना पड़ेगा मुझे। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वाइट बोर्ड पे कर लिए डायरेक्ट। हाँ सॉरी।
हम यहाँ पर थे प्रेशर पर, प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन अभी हमने लिखी थी एम एल टी माइनस टू, और एरिया हमने निकाला था एल स्क्वायर। ये एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हमारी प्रेशर की यूनिट आ गई। अब देखिए हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क निकालना है, इसे ही टॉर्क भी कहते हैं। ये बराबर है फोर्स इंटू लीवर आर्म या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें जो कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूले आपके पूरे इलेवेंथ क्लास के हैं, तो इसलिए बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे भी आएंगे जो हमने अभी नहीं पढ़े, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे उसमें फॉर्मूले आते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए फॉर्मूले से डायरेक्ट याद करना पड़ेगा हमें। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू अभी हमने निकाली थी, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लेंथ इंटू एल, तो ये सेम डायमेंशन हो गई जो वर्क की डायमेंशन थी, क्योंकि वर्क में भी यही फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर, तो पर तो इसमें गायब ही हो गया, एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा। परपेंडिकुलर इस तरह से ये हमारा टॉर्क की डायमेंशन आ गई। तो पहले हम यहां तक, अभी मैं इसके ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ये डायमेंशन का यूज क्या है पहले वो देखेंगे। डायमेंशन तो अभी बहुत सारे हैं, ठीक है, अराउंड 50 डायमेंशन हैं, तो इसमें से अभी हमने 12 तक स्टडी की है। पहले यहां तक देखो, यहां तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं किसी को? नो सर। हाँ, अब मैं थोड़े से इसका यूज क्या है वो हम इस तरह के क्वेश्चन, हाँ कुछ बोल रहे हैं सर, 12 समझा दो एक बार। 12 मूवमेंट ऑफ फोर्स, किसी चीज का मूवमेंट ऑफ फोर्स उसे टॉर्क भी कहते हैं, वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ये टॉर्क हम अभी आप 11th क्लास में आपका रोटेशनल मोशन है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये याद रखना है, जो भी चीज हम रोटेट करने के लिए यूज करते हैं वहां टॉर्क लगता है। जैसे कि हमारा टैप वाटर है, टैप वाटर का अगर नॉब को हम गोल गोल घुमा के ओपन करते हैं तो वहां हम दो फिंगर से पैरेलल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, है ना? यस सर। तो उससे हमारी कोई चीज रोटेट होती है, जैसे फैन है, तो रूम में जो फैन घूम रहा है उसमें भी टॉर्क लग रहा है, और कोई डोर है तो डोर के हैंडल को आप जब पुल करते हो तो हिंज के अबाउट डोर भी आपका रोटेट करता है, समझ रहे हैं? तो जहां भी रोटेशन हो रहा है वहां पे टॉर्क लगता है, ये रोटेशन में यूज होता है रोटेशन। अभी हमें खाली इतना ही समझना है, डिटेल में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसको हम मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो डायमेंशन हमारी बहुत सारी है, लेकिन अगर सारी डायमेंशन हम एक साथ स्टडी करेंगे तो हम एक तो भूल भी जाएंगे और बोर भी हो जाएंगे, इसलिए हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है, हमें समझ में भी आए और हमारा इंटरेस्ट भी रहे। इसलिए अब मैं इनका जो एप्लीकेशन है, यूज किया है डायमेंशन का, वो थोड़ा डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? नो सर। हाँ, और आपको यहाँ तक मैं मान रहा हूँ सबको अच्छा समझ में आ रहा है? यस सर। क्वेश्चन में ना वो डायग्राम बना रखा, वो समझा देगा। किसमें? 8 क्वेश्चन में। 8th क्वेश्चन में, एक मिनट।
सर ये डायग्राम, ये डायग्राम के लिए मैं एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे, पर ये बताओ जब मैंने पहले बनाया था तब नहीं पूछा ये, अब पूछा ये, जब डायग्राम बनाया था तब नहीं पूछा तुमने? सर उस टाइम स्क्रीन चली गई थी। अच्छा, इसको समझने के लिए ये मैंने देखो एक ब्रीफकेस बना दिया, इसमें ये व्हील्स लगे हैं और ये हैंडल है, और यहाँ पे हम इसे ऐसे पुल करते हैं तो ब्रीफकेस कैसा मूव करता है, इधर हॉरिजॉन्टली, है ना? यस सर। यस सर। जो लगेज वाला होता है हमारा लगेज, उसमें ये हैंडल लगा हुआ है, इसमें व्हील्स लगे होते हैं कभी कभी बैग में, ट्रॉली जो होती है, तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो तो हम ऐसे लगाते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में ये फोर्स ऐसा लग रहा है, जो भी हैंडल होगा यहाँ पे, इस हैंडल को हम अपनी तरफ ऐसे पुल करते हैं इंक्लाइन, और ये जो एंगल है ये थीटा या ये फाई होता है। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट उससे थोड़ी अलग डायरेक्शन में होता है, तो इसलिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस फाई, ये हमारा फॉर्मूला है वर्क फाइंड करने का, यही एक्सप्लेन किया मैंने। बताओ यहां तक आया समझ में? ओके सर आ गया। यहां तक सबने नोट भी कर लिया? मैं आगे चल रहा हूँ, स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। तो ये डायमेंशन का फर्स्ट यूज देख रहे हैं, ये जो हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं इस डायमेंशन को पढ़ने से फायदा क्या है, ये जो हम ये सब एमएलटी एमएलटी करके याद कर रहे हैं, इसका हम यूज क्या करेंगे? तो ये यूज यहाँ पे आ रहा है, जो पहला यूज है वो है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। इसका मीनिंग अभी समझा रहा हूँ एक एग्जांपल लेके। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी फॉर्मूला होगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी वो फॉर्मूला सही होगा। इक्वल साइन के दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी नाइन्थ क्लास में। ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, पढ़ा था हमने फॉर्मूला? यस सर। तो डायमेंशन के हिसाब से इक्वल साइन के लेफ्ट में जो डायमेंशन है, यानी इसकी डायमेंशन वेलोसिटी की, फाइनल वेलोसिटी, वो बराबर होनी चाहिए इस डायमेंशन के, और प्लस या माइनस के साथ जितने भी टर्म्स आएंगे, प्लस ये तो ये पूरा एक टर्म हो गया, ये पूरा एक टर्म हो गया। इस पूरे की डायमेंशन और ये इसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और वो डायमेंशन लेफ्ट के बराबर होनी चाहिए। तो एक एक करके मैं सबकी डायमेंशन निकालता हूँ। वी ये फाइनल वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी की डायमेंशन लगेगी जो कि हमने पढ़ी है, एल टी माइनस वन। यू यह है इनिशियल वेलोसिटी। सर यस सर एक सेकंड सर, ये आपने जो एल एच एस का डिम लिखा है सर, इसका क्या मतलब है बताना? सर ये आपने एल एच का, यस सर, डायमेंशन, डायमेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, LHS डायमेंशन बराबर RHS डायमेंशन। डिम नहीं है ये, डायमेंशन सर, यस सर, ये डायमेंशन है। हाँ
डिम कब होगा? जब हमें लाइट थोड़ी कम हो जाए और हमें कम समझ में आने लगे, तो वो डिम होगा, है ना? यस सर। हाँ, मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा है ना? यस सर। हाँ, तो यू इनिशियल वेलोसिटी एलटी माइनस वन, ये है इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन एलटी माइनस वन। तो लेफ्ट की डायमेंशन बराबर है इस राइट में, एक टर्म की डायमेंशन तो आ गई, अब प्लस के बाद जो टर्म है वो भी पूरी एक यूनिट मानी जाती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाली। इस पूरी की डायमेंशन भी सेम आनी चाहिए, वो और चेक करने पड़ेगी, यानी ए टी की डायमेंशन। इसकी डायमेंशन डिम नहीं है, ये डायमेंशन समझ गया सर। हाँ, तो एक्सेलेरेशन एल टी माइनस टू, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस टू अभी हमने निकाली थी, और ये टाइम है इंटू टी, तो ये अगेन आ गई एल टी माइनस वन। तो यानी ये तीनों की डायमेंशन सेम आ गई, तो ऑल थ्री डायमेंशन सेम। इसलिए ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब ठीक है, कोई भी जो फॉर्मूला फिजिक्स में होगा उसके इक्वल साइन के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होगी। इससे हम एक तो फॉर्मूला चेक कर सकते हैं कि डायमेंशनली ठीक है या नहीं, खाली इससे हम डायमेंशनली ठीक चेक कर पाएंगे, बाकी पूरा चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे 2u लिख दूं तो भी डायमेंशन सेम रहेगी, 4u लिख दूं तो भी डायमेंशन सेम आएगी, जबकि फॉर्मूला गलत हो जाएगा, है ना? यस सर। तो इससे हम खाली डायमेंशनली फॉर्मूला सही है या नहीं इतना चेक कर सकते हैं, या और क्या यूज है, ये डायमेंशन से हम कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हैं, कुछ अननोन्स की डायमेंशन निकाल सकते हैं, वो हम एग्जांपल से देखेंगे। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्लास में क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ तक अभी हमें एकदम सब आसान लग रहा है, बिल्कुल आसान। बोलो हाँ। यस सर। आसान लग रहा आपको? बहुत आसान है। यस सर। हाँ, गुड, सब समझ में आ रहा है, हमें सब आसान है, ऐसे करते हैं ये सब समझ में आएगा। अब इसमें देखें, कांस्टेंट की डायमेंशन निकालने, टू फाइव डायमेंशन ऑफ कॉन्स्टेंट या अननोन क्वांटिटीज, अननोन टर्म्स, तो उनकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैं फिर एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो हमें ये एस कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा गिवन है, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, और हमें ये गिवन है इस फॉर्मूले में एस, हमारा डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर कर रहे हैं और टाइम हम सेकंड में मेजर कर रहे हैं, ऐसा गिवन है। ये टी टाइम है, एस हमारा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट मीटर में। क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की डायमेंशन निकालने हैं, तो हम इसमें सेम रूल यूज करने वाले हैं, इसकी डायमेंशन बराबर इस पूरे टर्म की डायमेंशन, यानी प्लस के लेफ्ट और राइट में जो भी चीजें या माइनस भी होता है, यहाँ प्लस या माइनस साइन के दोनों तरफ जो भी टर्म्स होंगी इन दोनों की डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए और इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए एस की डायमेंशन ये बराबर होनी चाहिए ए टी की डायमेंशन। एस है हमारा लेंथ, ए हमारा कांस्टेंट है, मालूम नहीं है इसकी डायमेंशन हमें निकाल ले हैं, और ये टाइम की डायमेंशन है टी, इसलिए टी इधर चला गया, ए की डायमेंशन यहां से आ गई
एल टी माइनस वन, ऐसे हम एक ही डायमेंशन निकाल लेंगे। इसी तरह अगर हमें यहाँ बी की डायमेंशन निकालनी है तो इस टर्म की डायमेंशन बराबर है एस के, अगेन एस की डायमेंशन बराबर पूरी इस टर्म की डायमेंशन के, जो भी प्लस या माइनस साइन के दोनों तरफ या इससे ज्यादा टर्म्स भी हो उन सबकी डायमेंशन सेम होगी, सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर पोटैटो है, दो पोटैटो थ्री पोटैटो, तो टू पोटैटो एंड थ्री पोटैटो फाइव पोटैटो, दो आलू तीन आलू मिलाकर पांच आलू, आलू में आलू ऐड कर सकते हैं, आलू के साथ कोई और चीज ऐड करके हम टोटल आलू नहीं बता सकते। तो इसी तरह यहाँ फिजिक्स में जो सेम क्वांटिटीज है वही एडअप हो सकती है। एस इसकी डायमेंशन यहाँ पे जो है मीटर में है यानी लेंथ है ये, बी हमें फाइंड करना है, टाइम की डायमेंशन टी रख दी हमने और इसलिए यहां से बी की डायमेंशन आ गई, ये टी स्क्वायर इधर चला गया एल टी माइनस टू, हाँ और ये डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू। तो इससे हमने क्या किया, ए और बी जिनकी डायमेंशन हमें नहीं मालूम थी वो डायमेंशन भी हमने इस मेथड से फाइंड कर ली। तो ये इसका और एक और एप्लीकेशन है। यहाँ तक देखो आप लोगों को समझ में आया सर? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ तो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, अब आप लोग ट्राई करके बताओगे। यस सर, जो हमने सारी डायमेंशन निकाली है उसे फ्रैक्शन में नहीं रखना ना? ये हम हाँ जनरली ऐसे नहीं रखते, ये भी सही है वैसे, पर इसे ऐसे नहीं रखते, हम इसे ऊपर ले आते हैं, ये जनरल कन्वेंशन है। ओके सर, ये ऐसे छोड़ देंगे तो ये गलत नहीं है, लेकिन हम ये ज्यादा बेटर है कि हम सबको ऊपर ले आके उनकी पावर्स को डिनोट करते हैं। ओके सर, तो अभी एक दो एग्जांपल मैं और बता रहा हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप लोग मेरी हेल्प करोगे उस क्वेश्चन में। ओके सर, ये मैं मान लूँ ना सबने देख लिया नोट कर लिया? यस सर, यस सर। तो मैं इस स्क्रीन को चेंज कर रहा हूँ। अभी आप लोगों के स्कूल में भी कोई एग्जाम वगैरह तो नहीं होंगे? सर मेरे स्कूल में होंगे सर। सर मेरे स्कूल में भी है सर, अभी एडमिशन नहीं हुआ सर, आज फिजिक्स का था मेरा। अच्छा कहाँ तक आया उसमें? सर थर्ड चैप्टर तक, सेकंड और थर्ड आया था। अच्छा तो फिर तो तुम मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाले हो मैं जो भी पूछूंगा? यस सर। नहीं ये सोच रहे हो गलती बताया मैंने? इससे अच्छा मैं नहीं बताता? नो सर, सर दे दूंगा। सर मेरे स्कूल में स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो अभी बताया मेरे स्कूल में वो मेरे तो पता नहीं चला कौन बोल रहे थे। सर मैंने बोला 21 से स्टार्ट होते हैं। कौन, ब्रजेश बोल रहे हैं? नहीं सर आदित्य। आदित्य, अच्छा। और कहीं कहीं तो आपके खुद के नाम है, कभी कभी कहीं तो पेरेंट्स के भी नाम है शायद इसमें। यस सर। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। v इक्वल टू v, ये वेलोसिटी है, मान लो ये ऐसा गिवन है और इसमें v हमें वेलोसिटी गिवन है, t हमें टाइम गिवन है, क्वेश्चन ऐसा आएगा फाइंड डायमेंशन ऑफ
पॉइंट डिम डिम नहीं है डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, तो हमें ए बी सी की डायमेंशन निकालनी है। तो हम इसमें ये तो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों को, तो आगे क्वेश्चन दूंगा, पहले आप सॉल्यूशन देखते जाएंगे अच्छी तरह। तो लेफ्ट हैंड डायमेंशन बराबर राइट हैंड डायमेंशन, अब ये माइनस प्लस माइनस के बीच में जो भी क्वांटिटीज रखी हुई है, जैसे ये है, ये पूरी है और ये है, इन तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और जो कि इसके बराबर होनी चाहिए। तो इसलिए वी की डायमेंशन ये बराबर है इस क्वांटिटी की डायमेंशन के, और वेलोसिटी है मेरी एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, और ये है ए और ये है डायमेंशन इसकी टी। तो इसलिए ए की डायमेंशन क्या हो गई, ओनली एल। यहां तक आया समझ में? Yes, so. ऐसे हमने दूसरी क्वांटिटी में बी की डायमेंशन निकालने, तो इस पूरी टर्म की डायमेंशन इसके बराबर होनी चाहिए, बी की डायमेंशन बराबर। यहाँ ये ध्यान रखेंगे हम ये डायमेंशन ले रहे हैं, तो ऐसे मेरे साथ लड़ना नहीं है कि ये माइनस क्यों छोड़ दिया, हम नहीं मान रहे ये माइनस कैसे छोड़ दिया और ये सब कहाँ गए, ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे मेरे साथ, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, डायमेंशनली हमें समझना है कंसेप्ट, इसलिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कंसेप्ट वाइज चलना है। तो इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन के, इसलिए वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, ये टी स्क्वायर इस बार में सर माइनस भी रख लिया, तो इसलिए माइनस नहीं है वो ब्रैकेट है, बिल्कुल माइनस नहीं है ये ब्रैकेट पार्ट छूट गया हाँ लग रहा है। तो मैंने अभी मैंने स्पेशल यही बोला था कि माइनस साइन नहीं लेना है, नहीं वो तो सर नहीं वो ले नहीं रहा सर, मैं समझ गया था वो लग रहा था इसलिए बता रहा था। हाँ तो एल और ये टी माइनस वन तो था इन टू टी स्क्वायर, तो इसलिए बी की डायमेंशन हो गई एल इंटू टी। पहले ए और बी देखेंगे, ए और बी यहाँ तक क्लियर है सबको समझ में आया? यस सर यस। इसी तरह इस वाली टर्म की डायमेंशन में सी की डायमेंशन निकालनी है हमें, इसलिए V की डायमेंशन बराबर इस टर्म की डायमेंशन, और ये V को मैं लिखूंगा एल टी माइनस वन, ये है सी, ये है टी टू पावर फोर, ये सी के डायमेंशन आ गई। पहले यहां तक देखना है, यहां तक आया सबको समझ में? यस सर यस सर यस सर। हाँ तो अब मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको, इसकी तो भी नोट करना हो तो नोट कर लो सर, तो मैं नोट कर रहा हूं। हाँ हाँ तो मैं इसे शिफ्ट करके दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ।
मान ले कि हमें दूसरा इक्वेशन ऐसे गिवन है सर, खुद करें सर ये वाला, ये एस, हाँ खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, ये तीनों कांस्टेंट है, इनकी अननोन क्वांटिटीज हैं, ए बी सी इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? यस सर, यस सर। सर एक ही एल टी माइनस थ्री आ गई। नहीं नहीं आंसर नहीं बताना आप सर, लोअर मैं जब सॉल्व करूंगा तब मैच करेंगे, ठीक है? सबने कर लिया, जिस जिसका मन था, जिसका मन था करने का उसने कर लिया। यस सर, हो गया सर। ओके वेरी फास्ट। अब मैं यहाँ डायमेंशन लिखूंगा, आप उसका आंसर मैच करोगे। एस इसकी डायमेंशन वही होगी जो एटी क्यूब की डायमेंशन है, एस की डायमेंशन है एल, ये ए और ये है टी क्यूब, इसलिए ए की डायमेंशन तो ए की डायमेंशन ये आ रही है क्या? यस सर ये आ रही है। यस सर ये आ रही है, आ रही है। ओके वेरी नाइस। और अब यहाँ पे एक साथ दो अननोन है, तो पहले हम इस पे जाएंगे यहाँ पर। यस सर। तो क्या आप कोई मुझे बता सकते हैं सी की डायमेंशन आ रही है क्या इसमें से देखकर? सर सी की डायमेंशन किसी ने फाइंड किया है? यस सर। क्या आएगी? सर टी स्क्वायर। गुड, इसलिए कि अभी मैंने कहा था ये जो भी टर्म आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होंगी उनकी डायमेंशन सेम होगी, तो सी माइनस टी स्क्वायर मतलब इसकी डायमेंशन भी यही होनी चाहिए तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, तो इसलिए सी की डायमेंशन हो गई टी स्क्वायर, डायरेक्ट आ रही है यहां से खाली ऑब्जर्व करने से। और अब मुझे बी की डायमेंशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एस की डायमेंशन बराबर है इस पूरी टर्म की डायमेंशन, और जब मैं यहाँ डायमेंशन रखूंगा तो ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो नहीं रखूंगा बल्कि टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ही रखूंगा, डायमेंशन रखनी है इसमें से किस एक की डायमेंशन। हाँ, ये एल, ये है बी, ये याद रखना है डायमेंशन में, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जीरो नहीं करना है बल्कि टी स्क्वायर ही रखना है, इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन में टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वो भी टी स्क्वायर ही होगा। तो अगर हम डायमेंशन निकालते हैं दो टर्म के एडिशन का तो सेम ही आएगा, और टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर तो भी सेम आएगा डायमेंशन, ये डायमेंशन आ रही है बेसिकली। ओके सर, तो इसलिए बी की डायमेंशन एल टी स्क्वायर टू स्क्वायर। आप यहां तक बताओ मुझे सबका ये आंसर आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा
मान लो हमें ये फंक्शन गिवन है, वी इसमें वेलोसिटी गिवन है और एक्स इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हमें ए बी सी की डायमेंशन फाइंड करनी है। सर इसमें ऐसे एक्स है, एंड टी माइनस वन इनटू एक्स, वी वेलोसिटी और एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले आप ट्राई कर रहे हो, फिर मैं हेल्प करूंगा। फिर एल एल स्क्वायर टी माइनस वन। डन सर। डन सर। आप लोग डायमेंशन निकालो, अभी मैं करूंगा तब उससे चेक करूंगा, है ना? यस सर। तो अब जैसे फर्स्ट टर्म के लिए वी की डायमेंशन वही होगी जो ए बाई एक्स की डायमेंशन है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन और x की डायमेंशन है l, इसलिए a की डायमेंशन l टू t माइनस। आ रही है सबकी ये? यस सर। यस सर। यस सर। ओके। और b की डायमेंशन क्या सीधे आ रही है यहाँ पर? सर। यस सर। कितनी? l स्क्वायर। r स्क्वायर जो x की स्क्वायर की डायमेंशन है और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यस सर, l स्क्वायर। और अब c की डायमेंशन निकालने के लिए v की डायमेंशन वही है जो तो v को मैं लिख दूं lt माइनस 1 और यहां पे l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर 0 लिख दूं यहां L स्क्वायर। नो सर L स्क्वायर। नो सर L स्क्वायर। हाँ L स्क्वायर। इसलिए C की डायमेंशन होगी L T। C को मैं इधर ले गया और इसको मैं इधर ले आया। L T। L T। C की डायमेंशन आ गई मेरी L into T। बड़ा आसान लगा हमें ये? यस सर। एकदम खेल जैसा है? यस यस सर। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन ऐसे खेल जैसे लगेंगे और आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, अभी उसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो जो असाइनमेंट्स मिलेंगे वो तो मतलब इसी कॉपी में करें या फिर अलग से कॉपी होना है उसके? वो आप अपनी एक नोटबुक बना लो, उसमें जो भी असाइनमेंट आएंगे उसको सॉल्व करते हो तो आपको रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी, है ना? ओके सर। यस सर। ओके। वो अपने पास रखते जाना है और फिर असाइनमेंट में जो आंसर्स गिवन होंगे उन आंसर्स से चेक हो जाएगा आपको। सर नोट्स की तो अलग ही बनानी है ना? नोट्स की अलग बनानी चाहिए और जो वर्क करते हो आप प्रैक्टिस उसके लिए अलग बनानी चाहिए आपको नोटबुक। ओके सर। अब मान लें हमें ये इक्वेशन गिवन है, इसमें ये एक्स पर वाई ये हमारे मीटर में आ रहे हैं, पॉइंट डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं ये, या आपको ट्राई करना है पहले? एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ एक बार ट्राई कर लो, ट्राई करना है तो
तो जैसे कि सर इसमें a sin और bx plus c का अलग अलग करना है ना, a sin और bx plus c. इसमें a b c तीनों की डायमेंशन निकालनी है, पहले आपको सोचना है फिर मैं हेल्प करूंगा, है ना? यस सर. सर साइन के साथ कोई एंगल नहीं है, थीटा फाई कुछ? यस सर, साइन के जो भी है सब सामने दिया हुआ है. तो सर का साइन के साथ ये जो ब्रैकेट में यही एंगल है, बी एक्स प्लस सी यही एंगल है. सर फिर एक्स तो लेंथ है, वो एंगल कैसे हो सकता है? हाँ ये भी बात सही है. सर आप ही कराओ. तो कुछ एरर भी हो सकती है, अगर एरर होगी तो हम उसे मिस्टेक को दूर करना पड़ेगा हमें. कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे भी लाइट थोड़ी कम आ रही है, डिम हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना? यस सर, यहाँ पे लाइट कम आ रही है. हाँ हमें और लाइट की जरूरत है. देखो कैसे करते हैं. साइन ये जो पूरा मिलाकर है ये थीटा है, साइन थीटा. साइन थीटा डायमेंशनलेस होता है और जो थीटा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है. क्यों? क्योंकि थीटा होता है एंगल और एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस. रेडियस तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है. तो ये थीटा भी डायमेंशनलेस होता है और जो भी साइन थीटा होता है वो भी डायमेंशनलेस होता है. पहले ये समझना है. साइन थीटा क्यों डायमेंशनलेस है? क्योंकि वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये भी दोनों लेंथ है, इसलिए ये भी डायमेंशनलेस है. तो यहां से साइन थीटा ये पूरा मिला के तो डायमेंशनलेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. इसलिए एक ही डायमेंशन वही हुई जो वाई की है. और y की डायमेंशन है लेंथ की l, इसलिए a की डायमेंशन आ गई l. यहाँ तक समझ में आया हमें? यस सर. यस सर. हम सर नेक्स्ट जो लिखा आपने जो अभी ये, हाँ वही तो बता रहा हूँ. साइन थीटा डायमेंशन लेस, इसकी डायमेंशन नहीं है. और सर b और c की डायमेंशन जीरो हो जाएगी? वो तो अभी बाद में चेक करेंगे. पूरा मिला के इसकी डायमेंशन नहीं है, हमें ये मालूम है ना? यस सर. तो इसलिए इसको हटा दिया हमने. इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन. अब यहाँ पर आते हैं, बी एक्स प्लस सी हमारा थीटा है, एंगल है, यानी ये पूरा डायमेंशन लेस है. ये हमारा क्या है? थीटा है. और थीटा हमारा कैसा होता है? डायमेंशन लेस. इसलिए बी एक्स भी डायमेंशन लेस होना चाहिए और सी भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए. यस सर. तो सी की डायमेंशन ये डायमेंशन लेस है, यानी इसको हम एल टू पावर जीरो या एम टू पावर जीरो या टी टू पावर जीरो कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं. ये वन हो गया एल टू पावर जीरो, यानी डायमेंशन लेस. और इसी तरह से जो बी एक्स है वो भी डायमेंशन लेस है. तो बी एक्स की कंबाइंड डायमेंशन मिलाकर एल टू पावर जीरो. इसलिए बी की डायमेंशन क्या हो गई? वन बाई एल. बी की डायमेंशन हो गई एल टू पावर माइनस वन. जब हम यहाँ एल टू पावर माइनस वन इंटू एल करेंगे डायमेंशन लेस हो गए और ये ऑलरेडी डायमेंशन लेस हमें लेना है क्योंकि ये पूरा एंगल है. ओके सर. ऐसे हम डायमेंशन फाइंड करेंगे. यहाँ तक आपको समझ में आया? सर बी. यस सर. हाँ बोलो, किसी को डाउट आ रहा है क्लास में?
सर बी समझ नहीं आया। बी फिर से देखते हैं, ये एंगल है, डायमेंशन लेस है, इसमें दो टर्म ऐड हो रही है बी एक्स और सी, ये डायमेंशन लेस है तो ये पूरा भी डायमेंशन लेस होना चाहिए। यस सर। यस सर। इसलिए डायमेंशनलेस को मैंने m टू पावर जीरो या t टू पावर जीरो कुछ भी ले सकते हैं, वन आना चाहिए यहाँ पे, ये वन आ गया डायमेंशनलेस। यस सर। सर। और x की डायमेंशन मैंने l रख दी, इसलिए b की डायमेंशन 1 बाय l, l इनवर्स आ गई। सर। हाँ। अब आया समझ में? हाँ। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अगर bx को हम प्लस कर रहे हैं c से तो सर दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए थी। bx plus c, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो चीजें ऐड हो रही हैं दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो ये डायमेंशनलेस, ये भी डायमेंशनलेस, मिलाकर भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। t2 plus t2 बराबर t2, याद आया? और t2 minus t2 वो भी t2 है डायमेंशन में, वो खाली डायमेंशन के लिए। क्लियर है? यस सर। हाँ, एग्जाम में भी ये साइन कॉस वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं क्योंकि ये थोड़े स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर। नो सर। तो आज की क्लास में यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, और बाकी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सर वीडियो का हम लेंगे रिकॉर्डिंग भी? फिर से बोलो क्या? सर जो ये रिकॉर्डिंग हुई है सर, ये काम मिलेगी? ये हमें ऐप के थ्रू मिलेगी, और नहीं तो हम ये आप पूछ लेना, हर्ष सर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है? ओके सर। तो हर्ष सर से पूछ लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। सर स्टडी मटेरियल कब मिलेगा? स्टडी मटेरियल सब आपके उस पे पोर्टल पे सब डाउनलोड हो ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पे दिया हुआ है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो हर सर से एक बार पूछ लेंगे, सब स्टडी मटेरियल सब चीजें अवेलेबल है साइट पर। ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you.
बिना किसी बकचोदी के। पता नहीं मैथ के कौन टीचर होंगे यार। मैथ की क्लास कब होगी? केमिस्ट्री की है। मैसेज आया अभी। हाँ अभी अभी आया। हाँ मैथ की कब है? परसों होगी मैथ की। परसों मैथ की परसों होगी। तो रोज एक एक ही क्लास होगी? हाँ हाँ ऐसे कोर्स आएगा। हाँ तभी तो दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। दिन में दो क्लास तो रखनी चाहिए। हाँ कम से कम तो दो तो रखनी होना चाहिए। कोई भी इंस्टीट्यूट इतना तो कम तो नहीं पड़ा था जिसमें देखो तीन चार घंटे तो मिनिमम रहते ही। हाँ रहता है। दिन में दो क्लास तो होती है। तभी तो सिलेबस बहुत बहुत पीछे चल रहा था। जो बच्चे अप्रैल से पढ़ रहे थे उनके भी एक दो चैप्टर ही हुए हैं अभी तक। और क्या ज्यादा हो गए उनके? हाँ अब ज्यादा हो गए होंगे। पहले जब मैंने 10 दिन पहले देखा था फिर तो उनके दो तीन चैप्टर होते थे। लेकिन हमसे तो ज्यादा ही। मेरे को तो यह पता है हमसे तो। हम तो हमारे तो पहले से दिन स्टार्ट हो। वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखते अब कैसे कवर अप कराते हैं। कौन से स्कूल में सोचा एडमिशन लेने के लिए? तुम कौन से स्कूल में हो अभी? बेनाम बादशाह। यस। डेट कब तक है सीबीएसई की? पता नहीं एडमिशन तो हो रखे हैं अभी चालू। हाँ एडमिशन तो है चालू। स्कूल वाले दवा दवा पैसे मांग रहे हैं। तो कौन से स्कूल में सोचा है अभी? मैं तो लास्ट वाला जो स्कूल था उसी में देखूंगा क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है ना मुझे। नाम क्या था स्कूल का? सर्वोदय पब्लिक स्कूल। टेंथ में कितने परसेंट आई भाई तुम बताओ पहले? भाई 93.7%। अरे भाई कमाल। मेरी तो 86। मेरी 85। भाई इस बार ना मतलब ऐसे हुए नंबर पर किसी को कैसे दे रखे हैं किसी को कुछ दे रखे हैं कुछ भी हो रखा है इस बार तो। मेरे मेरे हिंदी में आज तक कभी 96.7 से कम नहीं आते थे। हिंदी में सबसे कम दे रखे हैं। 81 के करीब दे रखे हैं हिंदी में। तुम लोग सीबीएसई बोर्ड से पेपर हुए थे? हाँ सीबीएसई बोर्ड। मैं आईसीएसई बोर्ड से। अच्छा आईसीएसई। हाँ फिर तो कम भी रहे तो बहुत है भाई आईसीएसई। हमारे तो चार पेपर ही नहीं हुए थे। मेरे दो नहीं हुए थे। हमारे चार नहीं हुए थे। ये क्या अब दूसरी क्लास हो रही है? सर स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? हेलो हेलो एकेडमी के बारे में माइक म्यूट कर रखा है।